उत्तराखंड में जहां एक ओर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं ऋषिकेश एम्स में कोरोना बेड फुल हो गए हैं, जिसके बाद 3 मरीजों को दून मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक एम्स ऋषिकेश में 200 बेड कोविड-19 के लिए रिजर्व थे, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से सभी बेड फुल हो गए हैं, जिसके चलते मरीजों को अब दून मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। ये जानकारी DG हेल्थ कार्यालय ने दी। ऋषिकेश एम्स में अब कोविड-19 पेशेंट्स के लिए जो बेड रिजर्व रखे गए थे, वो बेड फुल हो चुके हैं, जिसके चलते अब जो भी पेशेंट्स सामने आएंगे कोविड-19 के, अगर प्रदेश में, उन्हें देहरादून रेफर किया जाएगा, उन्हें दून मेडिकल कॉलेज में रखा जाएगा। अभी 3 मरीजों को दून मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। एम्स में पहले ही 200 बेडों को रिजर्व रखा गया था। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि उत्तराखंड में किस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, और इनमें ज़्यादातर वही मामले हैं, वही लोग हैं जो दूसरे राज्यों से वापस उत्तराखंड लौटे हैं, अपने घरों को लौटे हैं, और उन्हें क्वारंटीन किया गया है। और जब उनके सैंपल लिए गए तो कई ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव आए हैं। हालांकि कईयों के सैंपल्स नेगेटिव भी आए हैं, लेकिन पॉजिटिव सैंपल आने से संख्या लगातार प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती जा रही है। ऋषिकेश एम्स में भी अब बेड फुल हो गए हैं। 3 मरीजों को दून मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। लगातार यही सवाल उत्तराखंड में हम अधिकारियों से भी पूछ रहे हैं, सरकार से भी पूछ रहे हैं कि अगर मरीज बढ़ते हैं तो क्या सरकार की ओर से वो तैयारियां हैं, क्योंकि अगर जिस तरीके से एम्स ऋषिकेश में बेड भरे हैं, अब बेड नहीं है वहां पर, अगर दून मेडिकल कॉलेज में भी ऐसी स्थिति होती है तो आगे क्या इंतजाम किए गए हैं, ये तमाम सवाल अधिकारियों से भी इनके जवाब जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र डसीला इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सहयोगी देहरादून से। सुरेंद्र, ऋषिकेश एम्स में तो बेड फुल हो गए हैं, अब दून मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है मरीजों को, 3 मरीज अभी वहां रखे गए हैं, वहां क्या इंतजाम है, और अगर यहां भी स्थिति बेहतर नहीं होती है तो आगे क्या इंतजाम है उत्तराखंड में पेशेंट्स के लिए? देखिए अनामिका, ये पूरा मामला जो है, इसमें हमने उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमे से पूछा, DG हेल्थ के कार्यालय से हमें ये जानकारी मिली कि एम्स में जो 200 बेड थे कोरोना के लिए रिजर्व थे, वो फुल हो चुके हैं और 3 पेशेंट को दून मेडिकल कॉलेज भेजा गया। जब एम्स के प्रशासन से इस पर पूछा गया है तो उनका ये कहना है कि 200 बेड अभी फुल नहीं हुए हैं। हमने उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमे को कहा है कि जो क्रिटिकल पेशेंट हैं उनको आप एम्स में रखिए, और बाकी जो नॉर्मल केसेस हैं, यानी अगर पॉजिटिव भी हैं लेकिन उनकी हालत में सुधार है या उनकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, तो उन लोगों को आप दूसरी जगह शिफ्ट करिए। दोनों ही जगह के अपने अपने बयान हैं। स्वास्थ्य महकमा कहता है कि वहाँ बेड फुल हो गए उसके बाद हमारे यहाँ भेजे जा रहे हैं, जबकि वो, क्योंकि एम्स ऋषिकेश एक ऑटोनोमस बॉडी है और वो स्वतंत्र है अपने फैसले लेने के लिए, उनका ये कहना है कि हमारे वहाँ बेड अभी फुल नहीं हुए हैं। अनामिका, इसमें एक बात और मैं आपको बताऊँ कि जो पेशेंट कन्फर्म होते हैं वो, और जो सस्पेक्टेड होते हैं जिनमें सिम्टम्स इस तरीके के होते हैं, उनकी रिपोर्ट आना बाकी होती है, उन लोगों को भी आइसोलेशन में रखा जाता है, क्वारंटीन में रखा जाता है। लेकिन एम्स का ये कहना है कि हमारे यहाँ बेड अभी फ़िलहाल फुल नहीं हुए, हम सिर्फ नॉर्मल केसेस को भेज रहे हैं, क्रिटिकल केसेस को हम लोग खुद हैंडल कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य महकमा उत्तराखंड का कह रहा है कि वहाँ बेड फुल हो गए, यानी एक चीज़ ये साफ पता चलती है कि दोनों के बीच में संवाद की कमी है, जो कि नहीं होनी चाहिए इस स्थिति में, जब प्रदेश में 338 मामले, माफ़ कीजिएगा, 335 मामले कोविड-19 के पॉजिटिव हो चुके हैं, 18 मामले आज के पॉजिटिव सामने आए हैं। और दूसरा एक बात मैं और अनामिका कहूँगा, जो आपने सबसे पहले खबर बताई थी क्वारंटीन सेंटर में बच्चे की मौत की, ये नैनीताल जनपद के बेताल घाट का मामला है। 4 साल के बच्चे को सांप ने काटा और बच्चे की मौत क्वारंटीन सेंटर में हुई, यानी क्वारंटीन सेंटर में ये 5वीं मौत है, जिसमें से एक कोविड पॉजिटिव की थी और एक बच्चे की मौत है। तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है प्रशासन की तैयारियों को लेकर, प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं और प्रशासन किस तरह से क्वारंटीन सेंटर को मॉनिटर कर रहा है, ये तमाम सवाल उठते हैं अनामिका। सुरेंद्र, हमने मुख्यमंत्री से भी बात की, हमने उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों से भी लगातार बात की है, आप भी लगातार उनके कांटेक्ट में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हर बार ये कहा जाता है कि इंतज़ाम पूरे हैं,
भगवान न करे अगर पेशेंट्स और ज़्यादा बढ़ते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। परेशानियां सामने अभी आने लगी हैं, चाहे ऋषिकेश एम्स की बात हो, अस्पताल में जो इंतज़ाम है, या फिर जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर क्या तस्वीर है, वो खबर आप भी बता रहे हैं, हम भी लगातार दिखा रहे हैं। क्या स्थिति है, कि यही तैयार है सरकार प्रशासन? देखिए अनामिका, जिस तरीके से शुरुआत में हमें लग रहा था कि तैयारियां बहुत मुकम्मल थी, लेकिन अब वो चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही है। इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि जब फ्लो ऑफ पेशेंट बढ़ा है, जब प्रवासी लगातार आ रहे हैं, और आप सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं कि लगभग 5 लाख की स्ट्रेंथ है जो लोगों की संख्या होगी जो प्रदेश में आएंगे, और ये लगातार सिलसिला आ रहा है, चाहे महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, दिल्ली से हो, लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और ऐसे में अगर इस तरीके के इंतज़ाम होंगे तो ये दिक्कत भरे हो सकते हैं। अभी तक पेशेंट कम थे, कई जिले आपके ग्रीन जोन में थे, अब पूरा स्टेट आपका ऑरेंज जोन में है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि वहाँ मामले ना आए हों, सभी जगह मामले लगातार आ रहे हैं। अकेले नैनीताल जनपद में 117 पॉजिटिव मामले हो चुके हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है, परेशानी ये है, चुनौती ये है कि आप इनको कम्युनिटी स्प्रेड से कैसे रोकेंगे। अगर लोग आ रहे हैं, आप उनके पॉजिटिव आपको जानकारी हो रही है, उनको क्वारंटीन कर रहे हैं, उनसे कहीं भी संक्रमण नहीं हो रहा तो ये बेहतर है, लेकिन अगर ये संक्रमण होगा तो ये चिंताजनक होगा, कि जिस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं उसे देखकर यही लगता है कि शायद स्वास्थ्य महकमे की तैयारी उतनी बेहतर नहीं है जितने दावे किए जा रहे हैं। अनामिका, बिल्कुल सुरेंद्र, बने रहिए हमारे साथ, और अहम खबरें हैं उस पर आगे आपसे जानकारी लेंगे।